हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश का जो अपना चैप्टर है द स्विंग वो पढ़ेंगे। जो अपना फर्स्ट चैप्टर द स्विंग, ये एक पोएम है। इस पोएम क्या है, द स्विंग मतलब झूले पे एक पोएम है अपनी, जो हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने भी बहुत बार जब आप मेले में जाते हो तो आपने झूला झूला होगा, है ना डियर स्टूडेंट। तो इसी के ऊपर एक झूला है, झूले पे एक पोएम है कि आप झूले में झूलते हैं तो आपको कैसा कैसा लगता है, मतलब तो वो सब हम आज इस पोएम में पढ़ेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, मतलब क्या कह रहे हैं कि आप जब आप झूले में जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, जब आप झूले में, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, मतलब जब आप झूले में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको मतलब कैसा मतलब कैसा पसंद करते हैं, मतलब हाउ डू यू, आप कैसा पसंद करते हैं लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, जब आप झूले में बैठते हैं। तो अब इसमें है अप इन द एयर सो ब्लू, आपको कैसा लगता है जो ऊपर की तरफ हवा में जाता है तो आपको सब नीला नीला, बिकॉज सो ब्लू तो नीला लगता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है हवा में जब झूला तो कैसा लगता है, सो ब्लू नीला। ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग, क्या कह रहा है कभी इसमें बता रहा है कि ओहो आई डू थिंक, क्या कह रहा है कभी हवा में, मतलब जो झूला है वो हवा में मतलब ऊपर की ओर जाता है तो क्या लगता है, नीला लगता है। अप इन द मतलब क्या बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाता है तो कैसा लगता है, ओ मुझे लगता है कि ये ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग, ओ मुझे लगता है कि यह सबसे मनमोहक, प्लीजेंट मतलब होता है मनमोहक या सुखद थिंग, मतलब सुखद है, मतलब ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग, मतलब क्या होता है ये सबसे, मुझे लगता है कि ये सबसे मनमोहक वस्तु या मन को मतलब सुखद है, सुखद वस्तु है। इफ ए चाइल्ड कैन डू, ये कोई क्या, एक बच्चा कैन डू मतलब एक बच्चा कर सकता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि झूला जब आपको कैसा लगता है, झूला जब ऊपर की तरफ जाता है तो ब्लू जैसा लगता है, ओ आई कैन डू थिंक, और मुझे लगता है आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एज अ प्रेजेंट वह सबसे मनमोहक या सुखद वस्तु है। एवर ए चाइल्ड कैन डू, जो मतलब क्या है, कभी भी कोई मतलब कोई बच्चा इसको कर सकता है, मतलब हम झूलते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, जब हम बच्चे अगर हम झूला झूलते हैं तो उनको भी कैसा महसूस होता है। एवर ए चाइल्ड कैन डू, मतलब कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द होल टिल आई कैन सी सो वाइट रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, क्या दे रखा है, कंट्री साइड का मतलब होता है बाहर का इलाका, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, बाहर का भारी इलाका, मतलब भारी इलाका या ग्रामीण क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसको। अब देखो इसका मतलब हम पढ़ेंगे, अप इन द एयर, जब झूला अब मतलब ऊपर की ओर हवा में जाता है, एंड ओवर द बोल मतलब दीवारों से भी जब ऊपर जाता है जो अपना झूला है वो क्या कह रहा है, कौन कभी इसमें पॉइंट इसमें बता रहा है, अप इन द एयर एंड ओवर द बोल, जब झूला क्या है ऊपर की ओर जाता है हवा में, ओवर द बोल दीवारों से भी ऊपर जाता है, टिल आई कैन सी सो वाइड, मतलब क्या है, हम उस वक्त क्या है, मतलब टिल आई कैन सो वाइड मतलब क्या, सी सो मतलब हम बहुत इतना व्यापक मतलब देख सकते हैं, क्या कह रहा है पॉइंट इसमें, क्या कह रहा है पॉइंट इसमें, आपको कह रहा है कि अप इन द एयर एंड ओवर द पोल, जब झूला है
वो हवा में ओवर डबल दीवारों से भी जब ऊपर जाता है, मतलब स्टिल आई कैन सी सो वाइड, जब हम इतना व्यापक क्या है हम देख सकते हैं, मतलब हम झूले के ऊपर जब झूला हवा में जाता है तो हम क्या करते हैं उस वक्त, हम ऊपर की ओर जाएगा तो हमें बहुत से व्यापक दृश्य है मतलब देखने को मिलते हैं, मतलब हम बहुत ऊंचाई तक हम देख सकते हैं, व्यापक देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये सी सो वाइड। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, इसका मतलब है रिवर्स नदियां। रिवर्स क्या होती है, नदियां होती हैं, क्या होती है स्टूडेंट्स, नदियां होती हैं। एंड ट्रीज मतलब क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ों पेड़ों को। और केटल है मतलब, केटल मतलब मवेशी, मतलब मवेशी मतलब या फिर जानवर, जानवरों को भी ले सकते हैं, मवेशी का मतलब भी क्या होता है, जानवरों, जानवर से लिया गया है यहाँ। एंड ऑल द ओवर द कंट्री साइड, हम नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को, एंड ओवर द कंट्री साइड मतलब पूरा जो बाहर का इलाका है हमें, हम झूले में जब झूल रहे होते हैं तो हम इतने दृश्य देख सकते हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, नदियों और पेड़ों को, और हम भारी इलाकों, भारी जो इलाका है उसको क्या चारों तरफ से हम देख सकते हैं। टिल आई मतलब झूला, जब हम बच्चों झूला झूलते हैं तो हम झूला ऊपर की ओर जाएगा तो हम कितना सारा दृश्य जो देख सकते हैं। अब इन द एयर, जब हवा में झूला होता है तो हम बोल से ऊपर होता है, टिल आई कैन सी, हम बहुत कुछ व्यापक देख सकते हैं। रिवर्स नदियां, पेड़, केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री से बाहर का इलाका, नदियां, पेड़, वो जो जानवर मतलब मवेशियां या जानवर, जानवरों, ओवर द कंट्री साइड, बाहर का इलाका या ग्रामीण क्षेत्र बोल सकते हैं, मतलब जो भारी इलाका था, हम इतना ऊंचाई पे होते हैं तो हम इतना देख सकते हैं झूले में। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, क्या कह रहा है, टिल आई लुक डाउन मतलब स्टूडेंट्स ये कह रहा है पॉइंट, जो अपना पॉइंट है वो कह रहे हैं, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, जब जब वो नीचे की तरफ देखते हैं झूले में, जब वो रहते हैं, जब हम झूला झूल रहे थे, नीचे की तरफ वो जब देखते हैं तो उनको कैसा लगता है, जो गार्डन है वो ग्रीन मतलब हरा लगता है, कैसा कैसा लगता है गार्डन, कैसा लगता है, हरा लगता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, रूफ मतलब क्या होती है, छत, जो छत होती है वो कैसी लगती है, ऑन डाउन ऑन द रूफ, जब नीचे की तरह झूला आता है तो उनको जो छतें हैं वो कैसी लगती हैं, ब्राउन मतलब होता है भूरा, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, अप इन द एयर मतलब हवा के अंदर ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन मतलब ऐसा महसूस हो रहा है झूले में झूलते, कभी बता रहे कि मुझे ऐसे इस पॉइंट में बता दें कि एक बार फिर से मैं झूल रहा हूँ, मतलब फ्लाई मतलब मैं उड़ रहा हूँ, अप इन द स्काई, अप इन द एयर एंड डाउन, और मैं कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर आ रहा हूँ, मतलब ऐसा उनको क्या महसूस हो रहा है, ऊपर और नीचे की ओर, मतलब हवा में हूँ, जब झूला झूलते हैं तो हवा में होता है, ऐसे लगता है ना अपने को कि एक बार अप इन द एयर एंड डाउन मतलब हवा में ऊपर की ओर हूँ, एक बार नीचे की ओर। तो अपनी जो 10 स्विंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये अपनी क्लियर कंप्लीट होती है आज, और इसके क्वेश्चन आंसर व हार्डवर्ड्स आपको वर्कशीट भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या करना है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको इस पॉइंट को समझना है, जो हार्डवर्ड्स हैं ये आपको वर्कशीट में मिलेंगे, आपको इनको वर्कशीट में जो हार्डवर्ड्स मिलेंगे आपको उनको नोटबुक में करना है क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग 10 स्ट्रिंग पॉइंट जो अपनी वो हमने आज पढ़ी। तो ब्लू मतलब नीला होता है, स्विंग मतलब झूला होता है, स्विंग का मतलब झूला होता है, प्रेजेंट मतलब मनमोहक होता है, और कह सकते हैं हम इसको मनमोहक, सुखद, जो हमें सुख देने वाला ऐसा फील होता है, मतलब एयर हवा होती है, एयर क्या होती है, हवा होती है, और द वॉल मतलब दीवार होती है। ये तो सब हार्डवर्ड्स आपको मिलेंगे वर्कशीट में, तो वर्कशीट में आपको दी जाएंगे, तो आपको ये नोटबुक में करना है, तो आपको पता चला कि हम जब झूला झूलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है,
और इसकी जो ये पॉइंट है जो इसके द्वारा रिटर्न की गई है, मतलब लिखी गई है, रॉबर्ट लॉयस स्टीवन, मैं आपको नाम लिख देती हूँ। इस पॉइंट को किसने लिखा है, आपकी जो ब्लू लाइन से दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, आर एन जो पॉइंट है, आर एन स्टीवेंसन, मतलब रॉबर्ट लॉयस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लॉयस, इसी फॉर्म में आर रॉबर्ट लॉयस स्टीवेंसन, ये इसकी क्या है, पॉइंट है, इनके द्वारा रिटर्न है पॉइंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस पॉइंट को एक बार आप फिर से समझेंगे, मतलब इसका जो है वो झूले के ऊपर बताया गया है कि आप जब झूले में झूलते हैं तो आपको कैसा कैसा फील होता है, तो वो सब इस पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।